हेलो फ्रेंड्स, आज हम मंचूरियन बनाएंगे। उसके लिए हमें लगेगा हरा मिर्च, लहसुन, प्याज, नमक, अदरक, हरा प्याज, हरे प्याज की पत्तियां और कुछ शिमला मिर्च, कॉर्नफ्लोर। ये मैंने राइस फ्लोर लिया है मैदे के जगह पे। ये चिंग्स का मंचूरियन मसाला है, इससे मंचूरियन बहुत टेस्टी बनते हैं। ये चिली सॉस है, सोया सॉस, तलने के लिए तेल, और ये वेजिटेबल है, ये पत्ता गोभी है, ये गाजर है और वो शिमला मिर्ची है। एक कटोरे में हम सब सब्जियां मिला लेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा मिर्ची, लहसुन, अदरक, थोड़ा सा सोया सॉस, चिली सॉस और थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स होने के बाद ही हमें इसमें कॉर्नफ्लोर डालना है। कॉर्नफ्लोर, ये मैंने राइस फ्लोर लिया है मैदे के जगह पे, मैंने ये राइस फ्लावर लिया है। राइस फ्लावर से मंचूरियन का टेस्ट बिल्कुल ही बदलता नहीं है। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे थोड़ा थोड़ा गूंद लेंगे। पानी बहुत थोड़ा डालना है। देखिए, मंचूरियन का मिश्रण तो रेडी हो गया है। अभी हम इसके बॉल बनाएंगे। थोड़ा सा हाथ में पानी लेके आप इसके बॉल बना सकते हैं ताकि ये चिपके नहीं। देखिए, पूरी तरह से बॉल रेडी है। और मंचूरियन को आप हो सके तो बड़ी आंच पे तल ले। ताकि अंदर से सब्जियां थोड़ी थोड़ी कच्ची रहे। पांच से दस मिनट में आपके मंचूरियन पूरी तरह से फ्राई हो जाएंगे। देखिए, ये पूरी तरह से तल गए हैं। अभी इसे हमें एक टिश्यू पेपर में निकालना है। ये हमारे तले हुए मंचूरियन रेडी है। अभी जो हमने चिंग्स का मसाला लिया था मंचूरियन का, उसमें पानी डाल के उसका घोल बना लेंगे। ये आप एक बार इस्तेमाल करके देखिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया है ताकि इसमें लम्स न पड़े। थोड़ा सा सोया सॉस, और थोड़ा सा चिली सॉस उसमें डाल दीजिए। अदरक, लहसुन, मिर्ची और प्याज हमें एक साथ ही डालना है। पैन को अच्छी तरह से गर्म होने के बाद ही उसमें हमें ये सब डालना है। अभी प्याज डाल देना है उसमें। ये देखिए, ये मैंने बहुत हाई फ्लेम पे रखा है। इसे हाई फ्लेम पे ही बनाना चाहिए। जो हमने पेस्ट बनाया था वो अभी इसमें डाल देना है हमें। पेस्ट डालने के बाद उसमें तुरंत पानी डालना है। जितना आप पेस्ट बनाएंगे उसका तिगुना आपको पानी डालना है।
और इसे अच्छी तरह से मिक्स होने देना है। अगर आप इसे अच्छी तरह से मिक्स नहीं करेंगे तो इसके लंप पड़ जाएंगे, तो ये थोड़ी देर ऐसे मिक्स होने के लिए रख देना है। देखिए 5 मिनट बाद इसका कलर पूरी तरह से डार्क हो गया है और अभी हमें मंचूरियन बॉल उसमें डाल देंगे। और उसके ऊपर हमें ग्रीन ऑनियन डालना है। ये देखिए मंचूरियन पूरी तरह से रेडी है खाने के लिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मुझे आगे भी कुछ नए वीडियो आपके साथ शेयर करने को मिले। थैंक यू।